सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है 8 जनवरी के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विथ NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों, भाइयों और दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। आज का पहला सुविचार यह है कि भाई जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार, जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। दूसरा सुविचार, आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं बहन भाइयों। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया सुविचार है, आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। तो ये हुए भाई आज के सुविचार, तो कर्म करते रहें। दो सुविचार बहुत ही बढ़िया प्रेरणादायक सुविचार है भाई। अब आज का सवाल सवाल ये है कि भाई हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं। जी हाँ मैं भाई, सोचिए ढूंढिए भाई, हवाई जहाज जिसमें कितने इंजन होते हैं, और अगर आपको इसका जवाब ना मिले तो मैं हूँ ना भाई, वीडियो के अंत में आप बने रहें, अंत में इसका आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए भाई दिन विशेष देखिएगा, है ना। तो आज पृथ्वी का घूर्णन दिन है और भाई आज अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिन भी है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं दिन विशेष 8 जनवरी के, जिसमें 8 जनवरी की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1835 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्जा पहली बार और एक ही बार शून्य हुआ। 1880 में सत्यशोधक समाज के संस्कार द्वारा किए गए विवाह कानूनी वैध है, ऐसा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया। 1889 में संख्यात्मक सामग्री का विश्लेषण करने के लिए गणक यंत्र का पेटेंट अमेरिका में डॉक्टर हरमन होलरिथ इनको मिला। 1940 में वही दूसरा महायुद्ध जारी था, जिसमें ब्रिटेन ने अनाज पर नियंत्रण लाया। 1947 में राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1963 में लियोनार्डो द विंची इनकी मोनालिसा का अमेरिका के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स वॉशिंगटन में पहली बार प्रदर्शन हुआ इस मोनालिसा चित्र का। सन 2000 में महान गायिका कलाकार लता मंगेशकर जी इनकी 1999 के एनटी रामाराव राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इन्हें घोषित किया गया। 1929 में नेदरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहली बार टेलीफोन संपर्क हुआ। 1958 में 14 वर्षीय बॉबी फिशर इन्होंने अमेरिकन चेस चैंपियनशिप जीती। 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने नेता मुजीबुर रहमान इनको रिहा किया। 1973 में रशिया ने लूना 21 को अंतराल में प्रक्षेपित किया। सन 1790 में अमेरिका के पहले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंगटन इन्होंने पहली बार देश को संबोधित किया। 1856 में डॉक्टर जॉन विच इन्होंने बोरेक्स हाइब्रेटेड सोडियम बोरेड इसकी खोज की। 1952 जॉर्डन ने
संविधान का अंगीकार किया। 2001 घाना में जैसी रैलिंग्स इनका दो दशक का शासन समाप्त हुआ और जॉन कुफारे राष्ट्रपति बने। 2008 भारतीय केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन इनको वित्तीय क्षेत्र के सचिव नियुक्त किए और 2009 में भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की। 2020 में 2020 रिलायंस जियो इन्होंने वाईफाई कॉलिंग को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया और ये सर्विस किसी भी वाईफाई पर भारत में कार्यरत की गई। सन 2009 में मिस्र के पुराणवेदों ने 4300 वर्ष पुराने पिरामिडों में रानी शेशेत इनकी ममी खोज की। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं 8 जनवरी के। अब देखते हैं 8 जनवरी के जन्मदिन। स्वतंत्रता सेनानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गीता मुखर्जी 1924 भारतीय ओडिसी नर्तक पद्मश्री पद्मभूषण और पद्म विभूषण इससे सम्मानित केलुचरण महापात्रा 1926 दिग्दर्शक और पद्मश्री से सम्मानित तरुण मजुमदार 1931 परराष्ट्र सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज्योतेंद्रनाथ दीक्षित 1936 उद्योजक और पद्मश्री से सम्मानित सुनील कांति रॉय 1944 कवयित्री समीक्षक संशोधिका लेखिका प्रभा गणूरकर 1945 हिंदी के साहित्यकार कोशकार आचार्य रामचंद्र वर्मा 1890 अभिनेत्री निडर नाडिया तथा इनका दूसरा नाम है फियरलेस नाडिया 1908 मलयालम अभिनेत्री विजयश्री 1953 कवि सुरेंद्र दुबे 1953 उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी 1909 टीकाकार मोहन राकेश 1925 अभिनेता सईद जाफरी 1929 अभिनेत्री नंदा 1939 ब्रिटेन के शास्त्री स्टीफन हॉकिंग 1942 कोरिया के तीसरे शासक किम जोंग उन 1984 अभिनेता नवीन कुमार गौड़ा तथा यश 1986 कंपोजर हरीश जयराज 1975 पॉलिटिशियन पतंगराव कदम 1944 ये महाराष्ट्र के हैं। अभिनेत्री सागरिका घाटके 1986 ये भी महाराष्ट्र की हैं। अभिनेत्री सुप्रिया देवी 1933 शास्त्रीय गायिका मालिनी राजूरकर 1941। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन 8 जनवरी के इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली 1642 में इनकी मृत्यु हुई। कॉटन जिनिंग मशीन के संशोधक एली विटनी 1825 ब्राह्मो समाज के थोर पुरुष समाज सुधारक केशव चंद्र सेन 1884 बालवीर स्काउट आंदोलन के नेता लॉर्ड बेडन पॉवेल 1941 दिग्दर्शक बिमल रॉय 1966 ये महान दिग्दर्शक हैं फिल्मों में। प्राच्य विद्या पंडित श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर 1967 दैनिक सकाल के संपादक संस्थापक नाभी तथा नाना साहेब परुलेकर 1973 चीन के राष्ट्राध्यक्ष चाउ एन लाय 1976 भारतीय पहली महिला
वैमानिक सुषमा मुखोपाध्याय 1984, समाजवादी विचारवंत मधुलिमय 1995, फ्रांस के 21वें राष्ट्राध्यक्ष फ्रांसवा मित्रा 1996, क्रिकेट खिलाड़ी नाना जोशी 1987, भारतीय कीटक शास्त्री महादेव सुब्रमण्यम मणि 2003, शास्त्रीय गायक मोहन कर्वे 2015, गायक अभिनेता रामदास कामत 2022, 68वें शंकराचार्य परमाचार्य चंद्रशेखर सरस्वती 1994, टेलीविजन के निर्माता, बीबीसी के महानिर्देशक, ये 10वें महानिर्देशक है बीबीसी के, अलास देर मिलने 2013, हिंदू योगी संत योगाचार्य स्वामी प्रमानंद महाराज 1941। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। जी हाँ भाई भाइयों, इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई, लेकिन आज के सवाल का जवाब तो देना है। तो चलिए भाई, सवाल ये था, सवाल था कि हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं। तो जवाब ये है भाई, हवाई जहाज में 4 इंजन होते हैं, चौका है ना। तो हवाई जहाज में 4 इंजन होते हैं, किसी किसी में 2 इंजन भी होते हैं, और इसमें सबसे ताकतवान जो इंजन होता है वो है जनरल इलेक्ट्रिक। जी हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक ये ताकतवान इंजन होता है, जिसका नंबर भी है GE90/115B, बी फॉर बॉल। इसका पावर कितना होता है भाई, इसका पावर करीब 125,000 HP यानी हॉर्स पावर, 125,000 हॉर्स पावर, इतना इसका पावर होता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, यहाँ पर आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। तब तक तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा, लेकिन भाई आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जानकारी कैसी रही सब कुछ बताइएगा, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए बहनों भाइयों, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा, एक और नए जानकारी के साथ, एक और नए दिन विशेष के साथ। तब तक के लिए भाई श्री नारायण को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब।